इंदौर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला बालगंगा थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास का है, जहां आइस फैक्ट्री में अकाउंटेंट पर दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने आग में मिर्ची डालकर लूट करने का प्रयास किया। दरअसल मामला बाड़गंगा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीबाई रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज के पास का है, जहां आइस फैक्ट्री के अकाउंटेंट अशोक पटेल अपनी बाइक से घर जा रहे थे। उसी दौरान दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उसकी आंख में मिर्ची डाल दी और उसे लूटने का प्रयास किया। काफी हिम्मत दिखाते हुए अकाउंटेंट उन दोनों बदमाशों से लड़ता रहा। इसी दौरान कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। घटना के बाद तत्काल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक अशोक पटेल ने फरियादी, वो करीब 8 बजे की घटना बताते हैं कि वो पोलो ग्राउंड के पास से निकल रहे थे और उनके पास कुछ पैसे होंगे 10-5 हज़ार जो भी हो। पीछे से एक स्कूटी आई, उनको ओवरटेक किया और उनके चेहरे पे मिर्ची डाली और उसी वक्त पीछे से कार आई, उनकी गाड़ी, वो जो स्कूटी जिसने, जो चालक जिसने उनके ऊपर वो डाला था मिर्ची, उसकी गाड़ी से टकरा गई। तो वो लड़का घबरा गया, फिर भागा। वो लूटने का प्रयास किया था लेकिन लूट हो नहीं पाई। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, FIR हमने 393 में मुकदमा कायम किया हुआ है और संदेह की तलाश कर रहे हैं उसमें जो भी। ठीक है।